और सप्लीमेंट्री डिमांड्स के बारे में थोड़ा जानकारी और अच्छी ले लेते तो संभवतः उससे ज्ञान वर्धन होता, अन्य अपने समाजवादी सहयोगियों को भी वह अच्छी तरह बता सकते थे। खैर, चार बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अलग अलग समय में उन्होंने यहाँ पे प्रदेश में कार्य किया, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के बारे में, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश अपनी अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और यहाँ के युवाओं के लिए पहचान का संकट वाला उत्तर प्रदेश बन गया था। और महोदय, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज यही उत्तर प्रदेश है, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, ये हमारे माननीय सदस्यगण भी देश के अंदर जाते होंगे, एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं और उत्तर प्रदेश को आज लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये बदले हुए प्रवेश का, ये नए उत्तर प्रदेश का, ये नए भारत का वह नया उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में आज लोग एक नई धारणा बनाते हैं। उनका दृष्टिकोण बदला है, जैसे दुनिया का दृष्टिकोण भारत के प्रति बदला है, ऐसे ही देश और दुनिया की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में भी बदली है और हर व्यक्ति बहुत सम्मानजनक ढंग से देखता है। ये परसेप्शन ही उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पहचान है। हाँ, $1 trillion की इकोनॉमी बनने की दिशा में हमारी सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, हम लोग आज भी अपनी उन बातों को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों को भी प्रसन्नता होनी चाहिए कि अगर हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, आर्थिक प्रगति करेगा, इस आर्थिक प्रगति का लाभ भी प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सभी को मिलेगा, पूरे प्रदेशवासियों को मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलेगा। और क्या पिछले 6-6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इस डबल इंजन की सरकार के समय कुछ नहीं हुआ? महोदय, 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो GSDP थी वह लगभग 13 लाख करोड़ के आसपास थी और आज 23-24 में यह लगभग 24.5 लाख करोड़ की पहुंच रही है, यानी हम लगभग दुगने की ओर बढ़ चुके हैं। ऐसे ही पर कैपिटा इनकम भी उत्तर प्रदेश की यह 2015-16 के आसपास जो लगभग 43,000 के आसपास थी, आज वह बढ़कर के 22-23 में बढ़कर के दुगने से अधिक हुई है, लगभग 83,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है और 23-24 के आंकड़े आएंगे इसमें और भी वृद्धि होगी। प्रदेश में बजट का आकार भी बढ़ा है, देश की 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है और उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में जो औसत बजट था वो लगभग 2,70,000 करोड़ के आसपास था, अलग अलग वर्षों में बढ़े होंगे लेकिन एवरेज अगर हम देखेंगे, लेकिन अगर हम 2017-18 से 22-23 के बीच में औसत बजट देखते हैं तो महोदय लगभग उससे दुगना हुआ है, ये 5,23,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। और आज के दिन पर अगर हम इस वर्ष के 23-24 के बजट को देखेंगे तो मूल जो हमारा बजट था 6,90,000 करोड़ रुपए का, 28,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट देखेंगे तो यह लगभग
7,19,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट के साथ अब तक का सबसे बड़ा बजट ये सरकार लेकर के आई है। और इस बजट के साथ हम प्रदेश के सर्वांगीण विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर अगर हम देखेंगे तो सरकार अपनी जो बजट लेके आती है इस बात को ध्यान में रखती है, सभी चीजों को लेके आती है कि हमारे पास उतने सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास है या नहीं है, रेवेन्यू स्टेट के पास आएगा कहां से आना है और कहां उसको व्यय होना है, आय और व्यय में संतुलन की स्थिति को भी रखना। प्रदेश सरकार को इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होता है और उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके अगर हम कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। हम देखेंगे कि प्रदेश ने जो प्रदेश का राजकोषीय प्रबंधन है वह बेहतरीन तरीके से आज आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में जाना जाए आज के दिन पे संभव हुआ है। और प्रदेश के अंदर इन सभी कार्यों को हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर अगर हम यहां पर विभिन्न कार्यों से देखेंगे, विभिन्न उनके साथ देखेंगे जो हमने रेवेन्यू प्रदेश के अंदर अलग अलग उसमें प्रदेश के अंदर रेवेन्यू का जो राजस्व सरप्लस स्टेट के रूप में आज प्रदेश आया है तो प्रदेश के अंदर अगर 16-17 में कुल राज्य कर का जो राजस्व था वो 86,000 करोड़ रुपए था, आज यही बढ़कर के 2324 में राज्य कर का जो राजस्व लक्ष्य है हमारा यह लगभग आज के दिन पर प्रदेश के अंदर यह बढ़कर के हम लोग इसे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। प्रदेश के अंदर स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में जो लगभग 11,000 करोड़ रुपए 16-17 में प्राप्त हुआ था आज वही बढ़कर के 23-24 में हम उसे 34,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। वैट एंड टैक्स के आधार पर जो सेल टैक्स था 49,000 करोड़ रुपए का कुल रेवेन्यू प्रदेश को प्राप्त होता था आज वही 1.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच रहा है। और स्टेट एक्साइज में 16-17 में कुल 12,000 करोड़ रुपए प्रदेश के अंदर प्राप्त होता था आज वही 58,000 करोड़ रुपए प्रदेश उसी एक्साइज टैक्स से ले रहा है। परिवहन में भी 16-17 में कुल 5,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता था 23-24 में वह अब बढ़कर के 12,600 करोड़ रुपए की राशि को भी प्रदेश उससे आगे बढ़ चुका है। महोदय, ये जो भी बातें प्रदेश के अंदर की गई हैं हम बैंकिंग सेक्टर में ही भी देखेंगे। आज प्रदेश के बारे में नेता प्रतिपक्ष जो आंकड़े यहां प्रस्तुत कर रहे थे वे वास्तविक आंकड़े नहीं थे, उन्होंने जो भी तथ्य यहां पे रखे थे मुझे लगता है कि अच्छा होमवर्क नहीं हो पाया होगा उनका। वैसे भी उनके पास फुर्सत कहां है कि होमवर्क कर सकें और उनके बारे में देख सकें, लेकिन एक प्रयास उन्होंने किया, तथ्य और आंकड़े दोनों सही नहीं थे। महोदय, अगर बैंकिंग क्षेत्र सेक्टर में जो कार्य यहां पे हुए हैं 22-23 में अगर हम देखेंगे तो प्रदेश में बैंकों के माध्यम से जो ऋण वितरित हुआ है 2,42,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित हुआ है और 23-24 में तो 22-23 में ही अगर हम देखेंगे तो प्रदेश के अंदर जो पहले की तुलना में जो बैंकों की शाखाएं खोलने की बात रही हो आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5 किलोमीटर के दायरे में या तो बैंक की शाखा है या हर गांव में हम लोगों ने बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से बैंक की सेवाएं हर ग्राम पंचायत तक उपलब्ध करवाने का काम किया है। और इसका परिणाम है आज प्रदेश के अंदर कि प्रदेश के अंदर जब इस संबंध में उत्तर प्रदेश की बात आती है तो बैंक और वित्तीय संस्थाओं में फंड आकर्षित करने में देश के अंदर 16.2% निवेश में हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर रहता है। यह डाटा मेरे नहीं है, किसी मैगजीन के नहीं है। जब मैं मैगजीन की बात पे आऊंगा
तो अंत में आऊंगा, लेकिन आरबीआई ने जो अपने बुलेटिन जारी किया है अगस्त 23 का, उसमें उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश को उन्होंने शीर्ष राज्यों की श्रेणी में रखा है, बॉटम में नहीं। आयकर रिटर्न की बात करते हैं, महोदय जून 14 में 1,65,000 आयकर रिटर्न उत्तर प्रदेश में भरे जाते थे, आज के दिन पर जून 23 में यह बढ़कर के 11,92,000 हुआ है। यह डाटा भी हमारे नहीं है, यह आईटीआर फाइल से जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार है। महोदय प्रदेश के अंदर मैंने जीएसटी संग्रह के बारे में बताया कि आज हम 1.5 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह भी प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, और साथ साथ मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत 1,069 व्यापारियों को आज इस योजना से लाभान्वित भी किया जा चुका है, और देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने वाले राज्य के रूप में भी आज के दिन पर शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महोदय इसके अलावा प्रदेश ने और भी क्षेत्रों में अपनी प्रगति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है, चाहे वह सीरा उत्पादन में, यह देश का नंबर एक राज्य है, प्रदेश एथेनॉल ब्लेंडिंग में यह देश के अंदर आज के दिन पर नंबर एक राज्य है, और प्रदेश के अंदर अन्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे, खासतौर पर पारिवारिक मुद्दे भी आते थे, बेटे बेटी, पिता माँ, पति पत्नी, बहू सगा भाई, यानी अगर सगे भाई की मृत्यु की स्थिति में उसकी पत्नी, सगी बहन, दामाद, पुत्र पुत्री, यानी सबको आवासीय अथवा कृषि संपत्ति ट्रांसफर करने में जो पहले एक लंबी प्रक्रिया होती थी, पूरा शुल्क देना होता था, आज मात्र 5,000 रुपये नियत करते हुए हम लोगों ने सुविधा प्रदेश में उपलब्ध कराई है, लाखों परिवार इन सुविधाओं का लाभ प्रदेश में ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जहां तक मान्य सदस्य, मान्य नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो बातें यहां पे कही गई हैं, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि वे हर मुद्दे को ये बताने का प्रयास करते हैं कि तो समाजवादियों ने किया है। वैसे समाजवादियों के कारनामे तो लोग अब तक भूले नहीं है प्रदेश में, और मुझे लगता है कि हाँ जग जाहिर है, तो हर व्यक्ति जानता है और कैसे कैसे ये लोग खेल खेलते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, किस किस प्रकार की कारनामे होते थे। अक्सर होता है हमारे नेता विरोधी दल चुनाव के पूर्व उनको कोई इंटरव्यू देना होता तो एक सेंटर में आते हैं, जाने का प्रयास करते हैं। प्रदेश के अंदर सत्ता प्रायोजित डकैती के सबसे अच्छे उदाहरण हो सकते हैं, और किस रूप में हो सकते हैं, उनमें से एक सेंटर है जेपीएन आईसी। महोदय इसका जो मूल जो डीपीआर है वह केवल 265 करोड़ रुपए का यह आंका गया था, और 265 करोड़ रुपए के डीपीआर के बाद इस पे 821 करोड़ खर्च हो गया, तब भी पूरा नहीं हो पाया। एक उदाहरण है, यह 6 साल से सरकार आई है, लेकिन 6 साल से पहले आप क्या कर रहे थे 5 साल? उससे पहले क्या कर रहे थे? गोमती रिवर फ्रंट, महोदय गोमती रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट की स्थिति, जो पीपीआर बना था 167 करोड़ का, बाद में फिर डीपीआर 346 करोड़ या समथिंग कुछ और इन्होंने आगे पीछे किया, फिर 2015 में इसको बढ़ा करके लोग लेके गए 656 करोड़ का, फिर जून 16 में
इसी योजना को, इसी डीपीआर की जो रिवाइज एस्टिमेट जो इन्होंने प्रस्तुत किया, कैबिनेट से पास किया, वह 1513 करोड़ का, और महोदय 1437 करोड़ खर्च करने के बाद भी कार्य अधूरा का अधूरा पड़ा रहा। इसमें हमें आश्चर्य होता है अनियमितता किस हद तक की। इसमें पीएसी का गठन किया गया, सीबीआई और ईडी के द्वारा भी इसमें जांच की जा रही है, और जब इसमें हम लोग विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचे तो अनियमितताएं जैसे डाइफाम वाल कार्यों को बिना अनुमोदित ड्राइंग कराना, स्लज रिमूवल के में अनियमितता, 141 अनुबंधों में अनुबंधित धनराशि से अधिक का भुगतान किया जाना, विजन डॉक्यूमेंट के कार्य को बिना सक्षम स्तर से स्वीकृति के विस्तार कर भुगतान किया जाना, डायफाम वाल के प्लेटफॉर्म के काम को पूर्ण होने के बाद भी अतिरिक्त 4 फर्जी अनुबंध गठित किया जाना, इंटरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन में निर्धारित रीच से अधिक रीच में कार्य कराई जाना भी, ये सभी चीजें इसमें थी। यानी ये किस हद तक कार्य करते थे, कारनामे प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और एक और कारनामा है, यद्यपि ये तो लंबी फेरस्त है और हर जिले में होगा, यहां पे यद्यपि सब जुडिस मामले को या फिर जुडिशरी से जुड़े हुए मामलों को उठाते नहीं, लेकिन एक ध्यान आकर्षण के लिए बहुत आवश्यक भी है। लखनऊ बेंच का जो भवन बना है, महोदय निर्माण कार्य में पैसा तो प्रदेश की जनता का लगाना, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वह स्ट्रेंथ, यहां पे 30 जजेस बैठेंगे, यहां पे जब भी बैठेंगे, वर्तमान में 20 बैठते हैं, लेकिन चेंबर कितने बनाए गए, 76 चेंबर बनाए गए। इसकी जो पीपीआर थी वह भी 346 करोड़ के आसपास की थी, और बाद में बढ़ करके इस पे पहले 771 करोड़ इसको किया गया, फिर 1561 करोड़ इस पर खर्च किए गए, और लाखों रुपया आज भी इस भवन के रख रखाव में खर्च होता है, केवल मेंटेनेंस पे खर्च होता है। अरे भाई साहब इधर सुनिए, यानी 76 चेंबर बने हैं, जजेस बैठ रहे हैं मात्र 20, बाकी 56 खाली, और उनके मेंटेनेंस के नाम पे प्रदेश का पैसा किस तरीके से खर्च हो रहा है, ये कारनामे किसी और के नहीं, ये विदेश से डिग्री प्राप्त कर रही किए हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष के ही समय के कारनामे हैं। और इसीलिए ये प्रदेश के बारे में जो इतनी गलत धारणा बनी थी, जो यहां का नौजवान अपनी पहचान को छुपाता था, इन्हीं कारणों से छुपाता था। महोदय प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में कह रहे थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे इसके बारे में भी, और कानून व्यवस्था की स्थिति किस रूप में थी, इससे कोई, यानी हर व्यक्ति इस बात को जानता है, खासतौर पर 2016 के सापेक्ष अगर 2022-23 में अगर हम देखेंगे तो आज के दिन पर, महोदय एनसीआरबी के जो डाटा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं ये मेरे स्वयं के नहीं है, उत्तर प्रदेश गृह विभाग के भी नहीं है, ये जो डाटा है यह एनसीआरबी के हैं, और उसमें खासतौर पर डकैती के मामलों में 80.31% की कमी आई है, लूट में 61.51% की कमी आई है, हत्या में 32.45% की कमी आई है, बलवा में 51.65% की कमी आई है, फिरौती में 43.18% की कमी आई है, और दुष्कर्म के मामलों में भी 21.75% की कमी आई है। महोदय 17 के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में क्या मंजर था, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों और भूमि में अवैध कब्जों को शासन का प्रश्रय प्राप्त था, और दूसरे तीसरे दिन तो दंगे होते थे, और अराजकता की स्थिति थी, अव्यवस्था थी, और 2017 के बाद ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है,
जो हर हाल में कानून का राज स्थापित करके हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे रही है, उसका परिणाम यह हम सबके सामने आए हैं। और महोदय, आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश के बारे में लिखती है कि प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक का राज्य है, जो अपने यहां सबसे अधिक अपराधियों को सजा दिलाता है। महोदय, इस दौरान 63,000 से अधिक अपराधियों को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 836 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए में कार्रवाई की गई और साथ साथ गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 9,163 करोड़ की चल और अचल संपत्ति का जब्तीकरण का कार्य भी हुआ है। माफिया और अपराधियों के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है उनमें 2827 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। प्रदेश के अंदर 66 माफिया और उनके गैंग्स के जो सदस्य हैं, कुल 1044 के विरुद्ध 590 अभियोग पंजीकृत भी किए गए और 506 की गिरफ्तारी भी की गई। इसमें उनके खिलाफ बहुत अन्य तमाम कार्रवाई भी की गई और बाकी तो हर व्यक्ति जानता ही है उत्तर प्रदेश में, तो बाकी अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी है इसके बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। महोदय, 2017 के बाद महिला और बाल सुरक्षा संगठन प्रभावी ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया है। प्रत्येक जनपद में महिला थाना के अतिरिक्त एक अन्य थाने में महिला थानाध्यक्ष को नियुक्ति दी गई है। महिला और बाल संबंधी अपराध, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया, यहां पे बताया है, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 4579 अभियुक्तों में से 487 अभियुक्तों में को आजीवन कारावास, 1016 को 10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक का कारावास और 3076 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम का कारावास की सजा भी प्रदेश के अंदर हुई है। प्रदेश सरकार की जो पहल है प्रोसिक्यूशन और प्रदेश में समयबद्ध तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाने का परिणाम है। पास्को अधिनियम के अंतर्गत 7276 अपराधियों को सजा या महिला संबंधी अपराधों में जो कार्रवाई हुई है ई प्रोसिक्यूशन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश आज नंबर एक पर है। प्रदेश में 3 महिला पीएसी बटालियन की के गठन की कार्रवाई भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। तो प्रदेश के अंदर 69 महिला पुलिस चौकी और परामर्श केंद्र और उनको थाने का दर्जा देने की कार्रवाई को भी प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाया है। महोदय, आज के दिन पे जो हमारे पास जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने है वह है साइबर क्राइम की भी, और हर एक जनपद में प्रतिदिन इससे संबंधित दर्जनों मामले सामने आते हैं। 2017 के पहले इसकी कोई पॉलिसी नहीं थी, न सरकार का कोई विजन ही था। 2017 के बाद सरकार ने आज इस कार्रवाई को पहले चरण में रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हम लोगों ने साइबर थाने का गठन किया और आज हर जनपद स्तर पर एक एक साइबर थाने के गठन की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है और बहुत शीघ्र उसके लिए धनराशि भी जारी की जा रही है, जिससे थाने का गठन करने के साथ साथ वहां पे हर एक जगह मैन पावर की आपूर्ति भी हो सके। इन कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है। 1531 थानों में महिला संबंधी सुरक्षा के लिए साइबर हेल्प, यहाँ पे साइबर थानों से संबंधित साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है, हेल्पलाइन भी जारी की जा चुकी है और प्रदेश के अंदर साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ में एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब 18 जो हमारे रेंज हैं, इन 18 रेंज में भी बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब तथा 57 जनपदों में साइबर जो क्राइम थाने हैं इनकी भी स्थापना की कार्रवाई को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अब तक गठन की प्रक्रिया को आगे किया है। और पहली बार उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा करके मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान सत्र में हम लोगों ने उसमें प्रवेश की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है और बीएससी और एमएससी तथा डिप्लोमा के कुछ पाठ्यक्रम भी हम उसमें बीटेक एमटेक और एलएलएम
कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज को भी हम उसमें संचालित करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा चुके हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर 2017 के पहले भर्ती की जो बात थी, और सदन में नेता कांग्रेस ने भी अपने भाषण के दौरान चर्चा की थी कि आखिर हमने कितनी नौकरियां दी हैं। महोदय, अगर अकेले पुलिस की ही मैं बात करूं तो पुलिस के भर्ती में अब तक 164,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती 2017 में सरकार आने के बाद से हम लोगों ने की है, और पारदर्शी तरीके से ये भर्ती की प्रक्रिया अब तक संपन्न हुई है। केवल पुलिस की मैंने अभी बात की है, लेकिन 17 के पहले क्या स्थिति थी? भर्ती भी एक घोटाला हुआ करता था, वहां घोटाला हुआ करता था। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे तो चाचा भतीजा भाई ये सब संलिप्त हो जाते थे, और किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को उसके हक को जबरदस्ती डकैती डालने का काम 2017 के पहले होता था। और इसीलिए माननीय न्यायालय को इसे बार बार स्टे देना होता था। 2017 के पहले भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश में पूरी तरह बाधित थी। प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया 2017 के बाद हुई, और 2017 के बाद पूरी तरह पारदर्शी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करते हुए उन सभी प्रक्रियाओं को हमने पूरा किया है। 5381 हम लोगों ने नए पदों की मंजूरी, जिसमें 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित श्रेणी के पद हैं। इस दौरान प्रदेश में 114 नए थाने, 163 नई चौकियां, 6 महिला थाना, 4 आर्थिक अपराध के थाने, और बाकी प्रदेश में जो हम पहले बताए थे साइबर थाने हर जनपद में बनाए गए हैं। 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थानों को भी प्रदेश के अंदर गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश के अंदर इस दौरान अन्य इस क्षेत्र में जो भी रिफॉर्म होने थे, केवल भर्ती ही नहीं होनी थी, उनकी ट्रेनिंग के लिए उस प्रकार की ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाना। आज प्रदेश में जब हम लोग 2017 में आए थे, प्रदेश की ट्रेनिंग की क्षमता मात्र 6,000 थी, और आज हम कोई भी भर्ती करेंगे तो 30,000 रिक्रूट को एक साथ ट्रेनिंग की देने की क्षमता उत्तर प्रदेश के पास है। यानी हमने इसको 5 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, क्योंकि पहले की सरकारों की सोच संकीर्ण थी, उस संकीर्ण सोच से वे कभी उभर नहीं पाए थे, और परिणाम हम सबके सामने है कि उसी संकीर्ण दायरे में कैद होकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट पिछली सरकारों ने रखा किया था, आज उससे उभार करके इस प्रदेश को नए भारत के नए प्रदेश के रूप में और नए भारत की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होते हुए उत्तर प्रदेश को आज देश के अंदर जाना जा रहा है। महोदय, औद्योगिक निवेश की जब हम बात करते हैं, इसमें भी हमारे नेता विरोधी दल को बुरा लग जाएगा, ये कह देंगे कि वो तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो मैं भी करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि काका हाथरसी ने इनके बारे में बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे अणु कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए थे, भाग्यवाद पर अड़े हुए थे, छोड़ो मित्र पुरानी डफली, जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। काका हाथरसी ने ये बात मुझे लगता है कि पहले ही सोच समझ करके तैयार कर रखी कर ली थी, और महोदय इसीलिए हम लोग इस बात को मान के चलते हैं कि अगर दृष्टि लक्ष्य पर हो और कदम राह पर हो तो ऐसी कोई राह नहीं जो लक्ष्य तक न जाती हो। हमने $1 trillion की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाने का जो लक्ष्य रखा है, ये सब राह वहीं तक पहुंचने के हैं। आपका कोई लक्ष्य नहीं था,
तो कोई दृष्टि भी नहीं थी, इसीलिए दिशाहीन थे और इसीलिए प्रदेश को अपराध का, दंगों का, अराजकता का एक प्रदेश बना दिया था। नौजवानों के विश्वास को कुचलने का काम कर रहे थे, भर्ती में भाई भतीजा बात कर रहे थे और प्रदेश की पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने पर उतारू थे। लेकिन आज प्रदेश का यह दृष्टिकोण बदला है और प्रदेश आज उससे उभर करके एक नए प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। महोदय